अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड एलसीएम। किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट्स मिले हों तो उनके आप एलसीएम कैसे निकाले गए, तो उनका पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो फिगर्स ले लेते हैं, पहले फिगर्स लेते हैं हम 24 और 32, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के स्टेप्स देखते हैं। पहले आप 24 के निकालेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ लें। सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे कि छोटे से छोटा जो है वो डिजिट कौन सा डिवाइड कर रहा है। तो एक तो नहीं, एक को छोड़ दें, दो को ले लें। दो का दो पे लगेगा 1 times 2 are 2 एंड 2 times 2 are 4। तो 12 बार 24 पे दो ने डिवाइड किया, और इस 12 पे फिर भी दो ही डिवाइड करेंगे। 6 times 2 are 12 और 2 का 6 पे 3 बार टेबल लगेगा। अब 3 पे 2 का नहीं लग रहा, तो 3 पे 3 का 1 बार लगेगा। इसके ये फैक्टर्स निकला। अभी हम दूसरा ले लेंगे, दूसरी फिगर है 32। 32 भी इवन है, तो इसको डिवाइड करेंगे। एक बार 3 पे 2 का जो है वो टेबल लगेगा, यहाँ से 1 इधर जाएगा, 12 हो जाएंगे। 6 times 2 are 12, तो 6 बार, और 8 times 12 are 16, और 4 times 2 are 8, 2 times 2 are 4, 1 times 2 are 1। अभी इन दोनों के फैक्टर्स निकल गए, और चलते हैं अगले स्टेप पे। तो इनके सामने जो है ये फैक्टर्स रखेंगे, 2 into 2 into 2 into 3, ये 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे रखे हैं। ये देख लें, 2 2 2 और 3, तो ये 24 के सामने रखे हैं, और 32 भी यहाँ पर ही रखेंगे। उसके सामने जो उसके फैक्टर्स निकले हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 हैं। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहला स्टेप था हमने इनके क्या निकाले, फैक्टर्स निकाले। दूसरे स्टेप्स में फैक्टर्स को सीरीज में रखा। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इन फैक्टर्स में पेयर्स कितने बनते हैं, यानी कि एक जैसे दोनों में कितने हैं। ये देखें, 2 2 और 2। 3 अगर नीचे होते तो 3 का भी हम पेयर बनाते, लेकिन नहीं है, तो ये अनकॉमन कहलाएंगे और ये कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। जब भी हमें कॉमन फैक्टर्स मिल जाएँ तो फिर उनकी जगह पे सिर्फ एक बार वो जो ए पेयर्स में से रखना है, 2 इसमें से 2 इसमें से 2 इसमें से, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो अनकॉमन फैक्टर्स लास्ट में रखेंगे, 2 into 2 into 3। अब हम इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये क्या होगा, 2 times 2 are 4 एंड 2 times 2 are 4, 2 times 3 are 6। ये मैं इजी स्टेप समझा रहा हूँ, वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, और 32 को 3 से कितना होगा, 32 into 3 into 2 6, 3 3 9 96। या ये भी ऐसे भी कर लेंगे, 4 into 4 into 6, ये भी सेम ही होगा, 4 times 4 are 16 एंड 6 times 16 are 96। ये जो हमें 96 मिला, ये 24 और 32 का जो है वो क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। हमें क्या मिला, एलसीएम किसका, ऑफ 24
फोर एंड 32। सेकंड जो है वो तरीका है एलसीएम निकालने का, वो है डिवीजन मेथड। पहले हमने सेम एग्जांपल को जो है वो हम ले लेते हैं 24 और 32 को ही ले लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम निकाली थी, अब निकालेंगे डिवीजन मेथड के तरीके से। डिवीजन मेथड में क्या होगा, ये हम दोनों साथ रख लेंगे और फैक्टर्स इनके साथ ही निकालेंगे। वो उसमें अलग अलग निकाल रहे थे, इसमें साथ ही निकालेंगे। पहले क्या करेंगे हम देखेंगे ये छोटे से छोटा जो है वो मल्टी डिवीज़र कौन सा है इनका, दोनों पे दो जो है वो डिवाइड करेगा। चलें देखते हैं, 12 टाइम्स 2 आर 24, 18 टाइम्स 2 आर 30, सॉरी 16 टाइम्स, ये यहाँ पे आ रहा होगा, फिर भी दो ही जो है डिवाइड कर रहा है 12 और 16 को। 12 पे कितने बार, 6 टाइम 2 आर 12 एंड 8 टाइम 2 आर 16, फिर भी दो ही दोनों पे दोनों को डिवाइड करेगा। 3 टाइम 2 आर 6, 4 टाइम 2 आर 8। अब यहाँ पे 3 बजे और यहाँ पे 4 बजे, अब भी इसको जो है 2 डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ कैरी ऑन करेंगे, 3 को सेम नीचे रखेंगे और इस पर 2 बार 2 डिवाइड करेगा तो 2 लिखेंगे। अभी 2 बजे हैं तो 2 पे 2 डिवाइड करेगा 1 टाइम, तो ये अभी ख़त्म हो गया। अब 3 पे 2 जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे तो 3 को 3 ही डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब हम देखेंगे इनके फैक्टर्स कौन कौन से निकले, वो हम नीचे रख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 2 हैं, 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगी, 24 और 32 की एलसीएम। 2 इंटू 2 और 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 एंड 3 टाइम्स 32 आर 96। 96 जो है वो एलसीएम हमने निकाल लिया, कैसे, डिवीजन मेथड के तरीके से।